हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट अकेडमी अस सॉल्व सम एक्ट्रा ऑर्डीनरी क्वेश्चन सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर वन द टाइम सिग्नल करस्पॉन्डिंग टू वन अपन माइनस वन बायर जेड पावर माइनस टू वेर मॉड लेस देन इज डैश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन ये सीरीज में हम स्टार्ट करने रहे हो एकदम सुपर क्वेश्चन मिलेंगे आपको सो फोर ऑप्शन आर गिवन एंड यू एक्स ऑफ जेड इज गिवन एंड यू टू फाइन द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म दैट इज एक्स ऑफ एन आपको फाइन करना है चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लिखिए देखिए एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एकदम एक्स्ट्रा ऑडियो क्वेश्चन है पहले आप भी ट्राई कर सकते हो और मैं तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहा हूं सो वन अपॉन वन माइनस वन बाईर इन टू जेड पावर माइनस टू वेर मोर जेड लेस देन वन बाई टू गाइस करेक्ट तो एक अलग तरीके से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं एंड देर आर वेरियस मैथड वेरियस मैथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पहले मैं मैथड नंबर वन बता देता हूँ सबसे पहले आर को ऑब्जर्व करें दिस इज आर ओ सी गैस आर ऑब्जर्व करिए सो आर आर ओ सी मॉड जेड लेजन बाई टू ये इंडिकेट कर रहा है कि सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड सिग्नल होगा लेफ्ट साइड जब सिग्नल जब होता है तो जो जेड पावर आएगा वो पॉजिटिव आएगा वट आई एम से सपोज सपोज एक्स ऑफ एन इज वन टू थ्री फोर एंड सपोज दिस इज़ कम्प्लीटली लेफ्ट साइडेड सिग्नल सो दिस सैम्पल इज एट एन इक्वल टू ज़ीरो नाव इफ यू फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन तो अगर आप पावर देखोगे जेड की तो वो पॉजिटिव आएगी बिकॉज यहाँ पे एन की वैल्यू नेगेटिव है द फॉर्मूला इज़ इज़ समेशन एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन इन टू जेड पावर माइनस एन गाइस नाउ पुट एन इक्वल टू जीरो इफ़ यू पुट एन इक्वल टू जीरोन इट विल बी फोर गाइज पुट एन इक्वल टू माइनस वन देखो यहाँ पे आप एन इक्वल टू तो माइनस वन पुट करोगे लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा तो ऑफ कोर्स एन की वैल्यू नेगेटिव होगी एन की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो जेड की जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी करेक्ट सो so, प्लस थ्री जेड पावर वन प्लस टू जेड पावर टू प्लस वन इन टू जेड पावर थ्री गए तो आप यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड सिग्नल है यानी कि आर ओ सी मॉड जेड लेस देन वन बाई टू लेफ्ट साइड सिग्नल जब भी लेफ्ट साइड सिग्नल तो पावर पॉजिटिव आएगा तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपको ये फॉर्मेट में आंसर निकालना है correct so x of z x of z will be here after taking lcm it will be 4z square upon 4z square minus 1 with this roc mod z less than 1 by 2 now here let us take minus sign common minus sign common q lena abhi bata so it will be 1 minus can we write like this 2z square ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें ऐसे सीक्वेंस लाना पड़ेगा है ना इन्फाइनइट सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो यहाँ पे आप देखिए वन अपॉन वन माइनस टू जेड स्क्वायर ना वी नो दैट वन अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सोन इन्फाइनइट सीरीज इन्फाइनइट सीरीज अब इसके साथ कंपेयर करोगे आप कंपेयर करोगे तो एक्स कितना हो जाएगा टू जेड स्क्वायर x कितना हो जाएगा आपका टू जेड स्क्वायर होगा आपका x सो हियर आई एम राइटिंग x ऑफ z x ऑफ z विल बी माइनस फोर जेड स्क्वायर इज कॉमन एंड हियर वन अपॉन वन माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू जेड करेक्ट टू जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर एक्स की वैल्यू है प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो टू जेड स्क्वायर आपका एक्स है देखो टू जेड स्क्वाइर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा फोर आएगा करेक्ट क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर प्रेजेंट है x में नेक्स्ट इज टू जेड टू जेड सिक्स पावर सिक्स एंड सो ऑन गाइस इवन पावर मिलेगा आपको क्या मिलेगा इवन पावर मिलेगा ओके okay? अब ये पूरी इंफाइनेट सीरीज है इसको हमें समय के फॉर्म में लिखना है सो वॉट वी कैन राइट वॉट वी कैन राइट हियर वी कैन राइट माइनस फोर जेड स्क्वायर और यहां पे आएगा समेसन सी हियर समेसन सपोज दिस इज योर एक्स सो हियर समेसन टू जेड टू जेड पावर के गेर के स्टार्टिंग फ्रॉम के कहा से स्टार्ट होगा जीरो से बिकॉज के इक्वल टू जीरो पुट करोगे हियर टू जेड स्क्वेर टू जेड स्क्वेर या फिर आप लिखोगे टू के लिखोगे क्यों टू के लिखोगे बिकॉज ईवन गाइस ईवन है ना टू फोर सिक्स तो टू के लिखोगे के कहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से के इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट के इक्वल टू इन्फाइनाइट आप चेक कर सकते हो ईवन पावर है इसलिए टू जेड पावर टू के लिखा मैंने और के कहाँ से स्टार्ट होगा जीरो बिकॉज के इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वन के इक्वल टू टू पुट करोगे के इक्वल टू वन पुट करोगे तो टू आ जाएगा के इक्वल टू टू पुट करोगे तो फोर आएगा सिक्स आएगा ऐसा हम लिख सकते हैं यस और नो अब यहाँ पे भी देखिए फोर जेड स्क्वायर प्रेजेंट है यर एक्स ऑफ जेड वी गॉट माइनस फोर जेड स्क्वेर इंटू द ब्रैकेट समेसन के इज फ्रॉम जीरो टू के इज के इक्वल टू इनफाइनाइट एंड टू जेड पावर टू के वी गॉट करेक्ट अब फोर जेड स्क्वेर है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं टू जेड पावर टू कैन वी राइट लाइक दिस यस और नो इन टू द ब्रैकेट समेसन

आपको ये समय सम के फॉर्मेट में मिल गया नाउ वी नो दैट सपोज अगर जेड पावर वन है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा डेल एन प्लस वन होगा कि नहीं बताइए अगर जेड स्क्वायर है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा डेल एन प्लस टू है सपोज जेड पावर फाइव है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा डेल एन प्लस फाइव है करेक्ट अब यहां पे देखिए टू पावर हम कॉमन निकाल देंगे माइनस कॉन्स्टेंट जो है वो कॉमन निकालेंगे सो एक के इक्वल टू जीरो टू के इक्वल टू इन्फाइनेट टू टू दी पावर टू के प्लस वन ये कॉमन हो जाएगा कांस्टेंट और यहाँ पे आएगा जेड पावर टू के प्लस वन नाव यू कैन सी गाइस अगर इसका हम इन्वर्स निकाले तो यहाँ पे भी सीरीज ही मिलेगा क्योंकि ये पूरी सीरीज है तो आंसर भी सीरीज आएगा तो इसका जेड इन्वर्स हम निकालेंगे सो एक्स ऑफ एन एक्स ऑफ एन विल बी सी हियर एक्स ऑफ एन गाइस देखा अब एक्स ऑफ एन विल बी नाउ यू कैन सी अगर जेड पावर वन है तो डेल एन प्लस वन अगर स्क्वायर है तो प्लस टू अगर प्लस फाइव है तो प्लस फाइव आएगा यहाँ पे तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम जेड पावर टू के प्लस वन है टू के प्लस वन है तो जब हम इन्वर्स करेंगे तो अगेन के रेंज सेम रहेगी के इक्वल टू जीरो टू के इक्वल टू इनफाइनाइट ये टू टू दी पावर ये तो कॉन्स्टेंट है टू के प्लस वन इन टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा डेल इन्वर्स करोगे तो एन एन प्लस जैसे प्लस फाइव है तो डेल एन प्लस फाइव अगर ये वैल्यू है टू so के प्लस वन सो डेल एन प्लस टू टाइम्स टू टाइम्स के प्लस वन ऐसा होगा कि नहीं करेक्ट सो दिस इज योर एक्स ऑफ एन गाइस आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग दिस इज योर एक्स ऑफ एन नाउ यू कैन सी दिस इज अ लेफ्ट साइडेड सिग्नल के की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो आपको लेफ्ट साइड सिग्नल मिलेगा सो हियर विच ऑप्शन शुड बी राइट आंसर विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर आउट ऑफ फोर ऑप्शन आप चेक कर सकते हो तो आई थिंक ऑप्शन सी गाइज सम माइनस समय सन के कोल जीरो टू पार टू के प्लस वन एन प्लस टू के प्लस वन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिस इज वॉट गाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन गाइस ओके और एक मैथड है वो भी आप ट्राई करेगा सिंपल जो मैथड है दूसरा मैथड ये आप होमवर्क में दे रहा हूँ ये मैथड मैंने दिया है आपको दूसरा एक मैथड होता है एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू डिरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेयर करके भी कर सकते हो सो वन अपॉन वन माइनस वन बाय फोर जेड पावर माइनस टू एंड आर ओ सी इज मॉड जेड मॉड जेड लेस देन वन बाई टू दूसरा भी एक मेथड है ओके नाउ ऑल वी नो दैट देखो यहाँ पे अगेन लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है ए टू दावर एन इन टू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन इट्स जेड ट्रांसफॉर्म इज वन अपॉन वन माइनस ए जेड इनवर्स विथ आर ओ सी मॉड जेड लेस देन मॉड ए लेफ्ट साइडेड सिग्नल है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ओके लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो मॉड जेड लेस देन मॉड आएगा पोल लोकेशन ओके तो इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो लेकिन यहाँ पे जेड बिकम जेड स्क्वायर है ऐसा कहेंगे हम जेड जेड बिकम बिकम स्क्वायर तो क्या हो जाएगा N N प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा जो काफी लेंदी हो जाएगा यानी कि एक्स ऑफ एन बाई एम ऐसे प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा तो एन बाई एम हियर जेड ट्रांसफॉर्म विल बी एक्स ऑफ जेड स्क्वायर गाइस क्या हो जाएगा एक्स ऑफ जेड स्क्वायर सेम आर ओसी में भी चेंज होगा एक्स ऑफ जेड स्क्वायर तो यहाँ पे जेड बिकम जेड जेड पावर एम इन जनरल जेड पावर एम करेक्ट तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा आई थिंक ये भी आप ट्राई कर सकते हो होमवर्क में ट्राई करिएगा एक मेथड मैंने बताया आप ट्राई करें, एम इक्वल टू टू ले हम जेड बिकम जेड स्क्वायर, देन हीयर एक्स ऑफ एन बिकम एन बाई टू हो जाएगा करेक्ट तो ये मेथड से भी आप ट्राई करिए सेम आंसर आना चाहिए लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसीलिए मैंने ये वाला मेथड बताया जो काफ़ी इजी रहेगा और ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा करेक्ट सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा एक नया सीरीज स्टार्ट कराऊ सिग्नल सेंस सिस्टम में एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन रैंडम क्वेश्चन लेंगे कोई भी टॉपिक से कोई भी चैप्टर से एंड एकदम सुपर क्वेश्चन होंगे जो आपने शायद पहले कभी ना देखे हो और उसका सॉल्यूशन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा करेक्ट ओके सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस क्लास विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो ओके थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है मजा आया है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर प्रोवाइड कर सकते हो ओके थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच